आज हमारे लिए अखबारों में खबर निकलवा रहा है कि हम डायनामाइट से सावेरी को उड़वा देंगे, हमने एजेंसी हायर कर ली है जो 10 साल से इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे घूस खाई, जो यहाँ आज भी बसे हुए हैं। पूरे सावेरी की फ्लैटों की स्टैम्प ड्यूटी 500 करोड़ रुपए तहसील दादरी में जमा हुई है। 500 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। जब ये सरकारी तंत्र हमें वहाँ सुविधा मुहैया करवा रहे हैं तो हम अवैध कैसे हो? बड़े बिल्डरों को बेचना चाहते हैं, हम लोगों को वहाँ से बेघर करके बड़े बिल्डरों को बेचना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु की हमने दिया है, अगर हमारा घर तोड़ा जाएगा तो हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, हमें मृत्यु दे दें। सरकार से एक बहुत बड़ी मेरी मांग, जब देश की राजधानी दिल्ली में कच्ची कॉलोनियाँ पक्की हो सकती हैं, रेगुलाइज हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश के सावेरी में क्यों? मेरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि सावेरी को नजीर बना दो। जिस टावर में मैं रहता हूं उसी में आई हुई है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी आती है तो क्या वो अनलीगल पे अब सब्सिडी दे रहे प्रधानमंत्री आवास योजना वाले? दोस्तों नमस्कार, जैसा कि नोएडा अथॉरिटी के अंदर जो सावेरी है, सावेरी एक जगह बसाई हुई है, वहाँ पर बिल्डरों की जो धांधलेबाजी है और उसके साथ साथ बहुत सारे वहाँ पर बिल्डर फ्लैट भी बने हुए हैं, तो वहाँ की जो जेन्युइन समस्या है उसको लेकर के हम यहाँ पर सावेरी के कुछ जो वहाँ पर आंदोलन किए जा रहे हैं और वो अपनी बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बात जहाँ तक जानी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। तो आज हम उनके बीच में हैं और उनकी क्या क्या मांगे हैं उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकुल त्यागी है, मैं संघर्ष समिति सावेरी से हूँ। हम लोग पिछले 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं प्राधिकरण के खिलाफ। जो प्राधिकरण आज हमारे लिए अखबारों में खबर निकलवा रहा है कि हम डायनामाइट से सावेरी को उड़वा देंगे, हमने एजेंसी हायर कर ली है, ये क्षेत्र इलीगल है, अवैध बसे हुए हैं, क्या 10 साल पहले जब यहाँ मकान बनने शुरू हुए थे तब प्राधिकरण कहाँ था? मेरा सबसे बड़ा सवाल उन अधिकारियों के साथ जो 10 साल से इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे घूस खाई, जो यहाँ आज भी बसे हुए हैं, उन लोगों का क्या कहना है इस बारे में, क्या कितने घूस खाई उन्होंने, आज हम अवैध कैसे हुए? दूसरा बड़ी बात, किसी भी जगह को वैध करने के लिए हमारे पास 4 दस्तावेज मुख्य जिन्हें हम माना जाता है वो होने चाहिए। पहला, किसी जगह की रजिस्ट्री या दाखिल खारिज, जिसे म्यूटेशन भी बोलते हैं, अगर वो है तो इसका मतलब जमीन साफ है। हमारी जमीन की दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, रजिस्ट्री है, हमने रजिस्ट्री करवाई, हमने उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी पे करी, पूरे सावेरी की फ्लैटों की स्टैम्प ड्यूटी 500 करोड़ रुपए तहसील दादरी में जमा हुई है। 500 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। इसके अलावा हमारे आज वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड हैं, हमारे आधार कार्ड हैं, हमारे पास बिजली का कनेक्शन है, हमारे पास आईजीएल की पाइपलाइन है। जब ये सरकारी तंत्र हमें वहाँ सुविधा मुहैया करवा रहे हैं तो हम अवैध कैसे हो? सबसे बड़ा मुद्दा। इसके अलावा जो बैंक जैसे GIC, हाउसिंग फाइनेंस, आधार हैं, जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, NBFC कंपनीज ने वहाँ लोन दिए, उन बैंकों ने लीगल और टेक्निकल करवाया, क्या लीगल टेक्निकल करवा? इसका मतलब बैंक भी वहाँ सरकार उन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ सम्मिलित हैं, क्योंकि हमने पे किया, उसके लिए हमने लीगल टेक्निकल फीस भी दी है, हमें रिपोर्ट भी मिली है कि ये बिल्डिंग तुम्हारी साफ है। आज प्राधिकरण उसकी जो वैल्यूएशन निकलवाने के बाद वैल्यूएशन निकली तो वो बिल्कुल ओके थी। आज बैंक भी ये कह रहा है कि भैया हमें नहीं पता लीगल है या इलीगल, हमें अपने पैसे से मतलब है। हम जैसे गरीब लोग जिन्होंने वहाँ 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए में मकान लिया, एक छोटे बिल्डर की मेहरबानी जिसने हमें वहाँ घर मुहैया करवाया, आज हम लोग कहाँ जाएं? हम रोड पे सोएं, हमारे बच्चे रोड पे सोएं? 25,000 परिवार और 1.25 लाख की आबादी सावेरी में रहती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये जो प्राधिकरण है इसकी मजबूरी क्या रही उस समय सारी चीज़ें पास कराई, उसके बाद जैसा आप कह रहे हैं कि बिजली कनेक्शन है और गैस पाइपलाइन है, उसके बाद सारी बहुत सारी ऐसी सरकारी सुविधाएं होती हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी चीज़ें हैं, तो आज क्यों आपको अवैध किया जा रहा है? हमें इसमें पूरा का पूरा रोल प्राधिकरण के अधिकारियों का है, जिन्होंने इसमें रिश्वत खाई, जिन्होंने घूस खाई, जो भ्रष्टाचार, जो वहाँ पे सारे अधिकारी बैठे हैं, क्या 10 साल से वो अधिकारी सो रहे थे? ऐसा संभव है? क्या एक छोटी सी टपरी चाय की लगती है कि 100 रुपये लेने पुलिस वाला पहुँच जाता है? कहाँ था उस वक्त वहाँ का उस क्षेत्र का SP और कहाँ थे कप्तान, कहाँ था सब प्रशासन जब वहाँ पे सारे ये कंस्ट्रक्शन हो रहे थे? क्या संभव है? क्या ऐसा संभव है? अवैध करने का कारण क्या हो सकता है? अवैध करने का कारण वो जमीन
जमीन बड़े बिल्डरों को बेचना चाहते हैं, हम लोगों को वहाँ से बेघर करके बड़े बिल्डरों को बेचना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में लेके जाऊं, तो जब वहां पर जब एक बिल्डिंग गिर जाती है तो सावेरी वो जगह जिसके मुंह पे नाम नहीं था, सावेरी को कोई नहीं जानता था, उस समय उस जगह को जान गए थे कि सावेरी भी कोई जगह है ग्रेटर नोएडा के अंदर। तो अब ऐसा क्यों, जब सावेरी में उस समय अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसी समय अवैध कर देना चाहिए था, अब क्यों किया? एक साल से सावेरी के खिलाफ ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं अधिकारी। फर्जी फाइलें बनाई गई हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि 600 बिल्डिंग इलीगल हैं। बिल्डिंग गिरने का कारण भी प्राधिकरण है, जिसने हमें वहाँ रोड नहीं दी, जिसने हमें वहाँ सीवर नहीं दिया, पानी की निकासी नहीं है। आज हम अपने पैसे से अगर रोड और नाली बनाना चाहते हैं तो प्राधिकरण हमारा सामान उठा के ले जाता है और हमसे रिश्वत मांगी जाती है कि हमें पैसे दो, हम तब रोड बनने देंगे। तो इसमें सारी मिली भगत, प्राधिकरण अपना गिरवान साफ करना चाहता है कि हम चोर नहीं है, जबकि सारी चोर बाजारी भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ प्राधिकरण के साथ है। क्या कहते हो आप? सर देखिए, मैं सरकार से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा कोई इलीगल नहीं है, हमने लीगल जानबूझ के हमारा रजिस्ट्री हुआ सब कुछ है, तो इसका मतलब लीगल है। जो भी सुविधा हमें नहीं मिला है वो सुविधा प्रदान करें, और जो भी उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जो भी है उसको पूरा करें। जो डेवलपमेंटल चार्ज है हम लोग देने के लिए तैयार हैं, डेवलपमेंटल चार्ज लें और उसको जो भी आप नियमित जैसे करते हैं आप करो। हमें जो बेसिक सुविधा है, जो नाली या पानी निकालने का निकासी का, वो हमें दिया जाए, रोड दिया जाए, बस यही दो सुविधा शायद नहीं है वहाँ पर और सब कुछ है। अगर उसको अवैध कर दिया जाएगा तो वहाँ के जो 1,25,000 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको उन्होंने बैंकों से फाइनेंस किया हुआ है, वो क्या सोचेंगे आपने? हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु की हमने दिया है। अगर हमारा घर तोड़ा जाएगा तो हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, हमें मृत्यु दे दें, ये करेंगे। हाँ, डायनामाइट, हाँ सीधी सी बात, ठीक है। तो डायनामाइट से उड़ाने के लिए धमकी किसने दी गई? ये पेपरों में पूरे अथॉरिटी की तरफ से छप के आया कि भैया हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, आप लोग नोटिस के अकॉर्डिंग अपने घरों को खाली करने का व्यवस्था देख लो, अन्यथा हम लोग फलाने मतलब हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर आप लोगों की बिल्डिंगों को डायनामाइट के थ्रू उड़ा देंगे। सरकार से एक बहुत बड़ी मेरी मांग, जब देश की राजधानी दिल्ली में कच्ची कॉलोनियां पक्की हो सकती हैं, रेगुलाइज हो सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश के शाहबेरी में क्यों? मेरी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील है कि शाहबेरी को नजीर बना दो, कि जैसे वहाँ पे आप 1,25,000 लोगों के सिर पे छत है उसको बसी रहने दो। बस इसके साथ खबर इंडिया आपका जो चैनल है उसके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा उन मुख्यमंत्री साहब से कि उन भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिन लोगों ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। हमारे जैसे लाखों बेघर जिन घर खरीद के फंसे नहीं, इससे गवर्नमेंट को देखने चाहिए। मेरे पास एक ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का लेटर है, जो डीएम के लिए 144 धारा लगा के इन्होंने फोर्स मांगने की कोशिश की है, कि डीएम से इन्होंने लिखित में दिया है। इन्होंने ये बोला है कि अगर हमें फोर्स मुहैया करा दो, डीएम अगर फोर्स मुहैया करा देता तो इनका मतलब मुझे जबरन निकाल के लोग इसको डैम करेंगे। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर लीगल अनलीगल कैसे हम लोग जानेंगे कि लीगल है अनलीगल? अभी 15 दिन पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिल रही है, जिस टावर में मैं रहता हूँ उसी में आई हुई है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी आती है तो क्या वो अनलीगल पे अब सब्सिडी दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना वाले? अगर दे रहे हैं तो फिर तो गलत है कि जब आपको ये पता नहीं कि लीगल पे देना है अनलीगल पे देना है, तो हम कैसे समझेंगे? अगर नहीं है तो अभी तक हमारी कॉलोनी कोई अनलीगल नहीं है, क्योंकि 15 दिन पहले रजिस्ट्री हो रही है वहाँ पर, ना तो रजिस्ट्री बंद करी है उन्होंने, ना ही वहाँ पर अभी तक सब्सिडी कम से कम नहीं तो वहाँ पर 100 से ऊपर सब्सिडी आ चुकी हैं। जो सब्सिडी आई है तो फिर अनलीगल कैसे है? तो नोटिस दिए गए हैं वहाँ के जो लोग रह रहे हैं? नोटिस बिल्डिंग में नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पेपर से, वहाँ से मैंने एक नोटिस प्राधिकरण से किसी से निकलवाया तो उन्होंने वहाँ पे एक अपने कागज पूर्ति के लिए निकाला कि मैंने 600 बिल्डिंग में नोटिस चिपका रखा। जबकि आप लोगों से अनुग्रह, कोई भी आके सावेरी के किसी भी बिल्डिंग पे आप कैमरा लगा के देखिए, कहीं भी कोई नोटिस नहीं लगा। पिछले साल जो बिल्डिंग गिरी थी उसके तहत आप पहले चेकिंग करने आए हो तो चेकिंग तो करो, किसी की कोई बिल्डिंग की चेकिंग नहीं हुई, किसी की नहीं हुई। अगर
गिरने का कारण है, तो अगर बिल्डिंग के चारों साइड पानी भरा है तो उसके लिए किसका काम है? प्राधिकरण का काम है। आज हमने स्टाम्प ड्यूटी पे करी है तो किस लिए पे करी है? अभी भैया ने जो आपको बताया कि 5 करोड़ रुपए, अगर 500 करोड़ रुपए अगर प्राधिकरण को हमारी तरफ से, हमारी राजस्व विभाग को मिलता है, उसका अगर 10% भी सावेरी में लगा दिया जाए तो सावेरी आज दिल्ली से भी बेटर बन सकती है। तो मेरा अनुरोध है सावेरी की तरफ से, अपनी संघर्ष समिति की तरफ से, कि हमारी कॉलोनी को पक्का किया जाए, यही मेरी योगी जी से बहुत विनम्र निवेदन है। जी, आप क्या कहते हैं? भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो अथॉरिटी वाले कह रहे थे कि वहाँ पे नाली नहीं है, वो पानी की व्यवस्था निकालने की नहीं है, इसलिए लोगों को जान का खतरा है। तो मैं अथॉरिटी वाले से ये कहना चाहता हूँ, ये एक काम कर दो ना, वहाँ नाली बना दो, वहाँ पानी की व्यवस्था निकालने की बना दो, वहाँ सड़क बना दो, वहाँ सीवर बना दो, वहाँ स्ट्रीट लाइट ला दो, जिससे जान का खतरा नहीं होगा। और यदि कुछ बिल्डिंगों में आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत लग भी रही है कि उसके बीम कमज़ोर हैं, उसके कॉलम्स कमज़ोर हैं, उसके वहाँ पे प्रॉब्लम, तो हाँ उसे ठीक किया जा सकता है। ये ऐसा ये नहीं है कि फाइनल डिसीजन कि उसको उड़ा दो डायनामाइट से, चेक तो करो। अचानक ही डायनामाइट का ये आदेश कर दिया, बोलते हैं कि हमने एजेंसी हायर कर लिया, डायनामाइट से उड़ाया जाएगा। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के इतने पुल बने हुए गिरते हैं, क्या गवर्नमेंट चली जाती है? गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंगें गिरती हैं तो क्या अथॉरिटी को बंद कर दिया जाता है, अथॉरिटी को उड़ा दिया जाता है? तो आपने यहाँ के लोगों की जो राय है वो देख ली है, अब इन लोगों ने जो अनशन किया है वहाँ पर आंदोलन भी चल रहा है, और इन्होंने जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने रखा है इच्छा मृत्यु का, या तो उसको उड़ा दिया जाए तो उसके अंदर ही डायनामाइट के साथ हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, या फिर जो वहाँ की मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको लागू कर दिया जाए। तो आप इस खबर के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।